हमारे लिए दुआ करें हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा के लिए काम करते रहे। काम यह है कि डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो, सही करवा लें, हुकूमत से डॉक्यूमेंटेशन सही करवा लें, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। बिना डॉक्यूमेंटेशन के कोई तरक्की नहीं हो सकती, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, कोई काम नहीं कर सकते। तो कई जो भी हमें काम करना है, कानून के दायरे में डॉक्यूमेंटेशन की करवा कर, यह हमारा हक है, कोशिश करनी है। अब आज मेरा इख्तदार है तो मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं करके दूँ। तो मैं और हमारे साथ जितने लोग साथी काम कर रहे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं और इसका नतीजा भी हमने करके दिखाया है। तकरीबन 40% वफ के इदारों की डॉक्यूमेंटेशन हमने पूरे कर दें। खदीम मोहल्ला है, शिवाजी नगर एक कोई इसकी एक तारीख है, 100 साल, 200 साल, 300 साल की तारीख है। हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त पे आने वाली नस्लों के लिए ये मिल्कियत वफ करके गए हैं। तो इसको संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। आज अगर मैं इख्तदार में हूँ, मैं MLA हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं डॉक्यूमेंटेशन इसे महफूज करने के लिए जो काम कर सकता हूँ हम कर रहे हैं, और ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ हम निभा रहे हैं। सर, हाउसिंग बोर्ड का एक प्रोजेक्ट आप 1000 घरों का यहाँ ला रहे हैं शिवाजी के पीछे जो स्लम एरिया है, इसके लिए अगले हफ्ते फिर से मीटिंग है। 1000 घर तो सैंक्शन हुए हैं, स्लम के लिए सैंक्शन हुए हैं। यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन पर गौर है, बिना डॉक्यूमेंट के कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो इसलिए एक पूरी तरह इसके साथ तेज़ी के साथ डॉक्यूमेंटेशन का काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है अगले साल जब भी इंतखाबात होंगे, साल डेढ़ साल में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आएगी और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में मैं यहाँ इस इलाके का MLA रहूँगा, तो बहुत बड़ा फंड आ सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन बशर्त यह है कि हमारे ज़मीनात के डॉक्यूमेंट, इदारों के डॉक्यूमेंट सब तैयार हों ताकि हुकूमत से हम स्कीम सैंक्शन करें और इसको काम करा सकते हैं। और इस पर भी आप जो कर रहे हैं, इस पर भी गौर करेंगे। दिसंबर को मजलिस मुंतज़मा का इंतखाब हुआ, ओहदेदारान सदर सेक्रेटरी मुंतखब हुए, इन हजरात ने जो प्लान प्रोग्राम तैयार किया है, हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इदारे की तरक्की हो, तालीमी तरक्की हो, तामीरी तरक्की हो, और यहाँ जो तकलीफ़ में गुजर रहे हैं, रह रहे हैं, घरों की सहूलतें अच्छी नहीं हैं, अगर अच्छा प्लान बना करके ये हजरात काम करें तो कौम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। और हम चाह रहे हैं कि जो कमेटी आई है ये तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे, जैसे SSC PUC के बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर कायम करना, इन्होंने बहुत से रिफाई काम भी बताए, उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन तालीम पर ख़ास तौर से दीनी तालीम और असली तालीम दोनों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इन्होंने जो इलेक्शन में वादे किए हैं और जिस उम्मीद और भरोसे पर लोगों ने इनको मुंतखब किया है, ये अपने ऐलानात और ये जो वादे किए हैं उस पर ज़रूर पूरे उतरेंगे। हमें उम्मीद है कि इदारे की खूब से खूब तरक्की होगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन सब को मिलकर इदारे को आगे बढ़ाने की, तरक्की पर ले जाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तालीम के ताल्लुक से आपका हाल यह है कि बच्चों को जो है स्कूल खुल गए हैं, फीस के लिए बारहा वालिदैन पर जो है प्रेशर बनाया जा रहा है, इसलिए हम ऐसे बच्चे जो बहुत नौनिहाल हैं, बहुत होनहार हैं, उन बच्चों की
निशानदही करेंगे, उनको अडॉप्ट करेंगे, उनको स्कॉलरशिप देंगे। तिब्बी सहूलियात में इंशाल्लाह जो हमारे ज़ईफ़ हजरात, बुज़ुर्ग हजरात, बीमार हजरात हैं जिनको दवा लेने की तक तवक्को नहीं है, उनके लिए इंशाल्लाह हम यहाँ से माहाना पेंशन तय करेंगे। और इंशाल्लाहुल अज़ीज़ हमारी मुंतज़िमा के जो मुताबिक जो हमने तय किया है उसमें बेवा यतीम और जो फिज़िकली चैलेंज बच्चे, जैसे दो आंखों के माजूर हैं, हाथ के माजूर हैं, पैर के माजूर हैं, इन सब को इंशाल्लाह इसी माह में इनकी निशानदही की जाएगी। आइंदा माह फरवरी से इंशाल्लाह इनको स्कीम, माहाना स्कीम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। माहाना वजीफा देंगे? हाँ, माहाना वजीफा देंगे। पहले तो हमारी कोशिश ये है कि ये इमलाक के जो माली और तिबी जो भी हमारी ये रहेगी, तकसीम रहेगी, वो सबसे पहले मोहल्ले की हद तक रहेगी। इसके बाद इंशाल्लाह तरक्याती काम बढ़ा कर जैसे आमदनी बढ़ेगी हमारा ये दायरा वसी करेंगे इंशाल्लाह।